नायरा कर रही है गंगौर पर डांस। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनाया जा रहा है गंगौर का त्योहार। हो रही है घर में गंगौर की पूजा, जहां नायरा संग सब कर रहे हैं डांस। भाई त्योहार की धूम तो डांस के साथ ही नजर आती है। हंसी खुशी गोइंकाज और सिंघानियास कर रहे हैं डांस धमाल। पूजा के लिए घर की सभी लेडीज बना रही हैं गंगौर की मूर्तियां। लेकिन मूर्तियां बनाते बनाते मिट्टी कम पड़ जाती है, तो कार्तिक मिट्टी लेकर आता है और नायरा की मूर्ति बनाने में मदद करता है। नायरा गंगौर की पूजा में शामिल तो है, लेकिन मन में उसके उदासी है, क्योंकि वो इस बात से परेशान है कि उसके माँ बनने में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये बात वो कैसे बताए और कार्तिक ये सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा? पिछले साल याद है जब गंगौर पे कार्तिक नायरा साथ थे और पूरी फैमिली साथ थी और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। इस बार भी एक्चुअली कार्तिक नायरा के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, बट नायरा श्योर नहीं है कि कार्तिक उससे अपसेट हैं या ओके हैं, क्योंकि नायरा ने कार्तिक को जो बात बताई है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अपसेट कर देने वाली बात है। सो शी इज़ नॉट श्योर, बिकॉज उसके बाद से कार्तिक से बात नहीं कर पाई है, मिल नहीं पाई है। तो अभी पूरी फैमिली है, किसी को कुछ नहीं बता सकती है, इसीलिए सबके साथ खुश है, डांस कर रही है और कार्तिक का इंतज़ार कर रही है। और तो और घर में आई कुछ नेबर्स भी बार बार नायरा के माँ बनने पर उठा रही हैं सवाल। मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको सजाते हैं, उसके बीच में कुछ मूर्ति में मिट्टी में प्रॉब्लम आ जाती है, देन कार्तिक आता है मिट्टी लेके, तो बहुत सारी चीज़ों को ज्वाइन किया गया है कहीं ना कहीं कि उसका नायरा का इलाज चल रहा है, प्लस लोगों के कमेंट्स आना, तो उस चीज़ पे हम लोगों का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि कोई बाहर वाला हमारे किसी के लिए भी कुछ भी बोलता है तो सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दादी भले नायरा को कुछ बोल दे, लेकिन कोई बाहर वाला आके हमारी नायरा को कुछ नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ अच्छी है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो फैमिली एक साथ खड़ी होती है, और ये रिश्ता का फेवरेट आई थिंक यही है जो सबको बहुत पसंद आता है कि हम आपस में कैसे भी रहें, लेकिन जब कोई तीसरा आके हमारी फैमिली में या हमारे किसी भी रिलेशन पे उंगली उठाता है तो सब एक साथ खड़े रहते हैं। जब कार्तिक मिट्टी लेकर आता है तब नायरा और कार्तिक मिलकर बनाते हैं भगवान गणेश की मूर्ति। जी हाँ, नायरा और कार्तिक बड़े ही प्यार से गणपति बापा की मूर्ति बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं ये जानते हैं नायरा से। सबके साथ मूर्ति बनाई जा रही है, बहुत अच्छा लगा, हमने मूर्तियाँ बनाई भी हैं, और जो लेडी हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट होती हैं वो ये चीज़ बताती है कि अगर अगर शादीशुदा लड़की अगर बाल गणेश की मूर्ति बनाए तो उसके बेबी होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं और हो जाते हैं। तो ये चीज़ सुन के नायरा के मन में एक थोड़ी सी होप जागती है और वो बाल गणेश की मूर्ति बनाएगी और कार्तिक और नायरा मिलके बाल गणेश की मूर्ति बनाएगी। अब नायरा और कार्तिक ने गणपति बापा की प्यारी सी मूर्ति तो बना ली है, एंड वी विश नायरा और कार्तिक की लाइफ में भी नन्हा सा मेहमान जल्द ही आ जाए और उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।